हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आरआरबी एएलपीएन टेक्नीशियन सीएन 1/2018 के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपका एएलपी और टेक्नीशियन आरआरबी भोपाल की तरफ से एक रिप्लेसमेंट पैनल जारी हुआ है, तो चलिए देखेंगे कितने स्टूडेंट्स का रिप्लेसमेंट आया है और क्या क्या पूरा अपडेट है, कितने का आया है रिप्लेसमेंट और आगे क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में भी देखेंगे। तो जस्ट अभी ये जारी हुआ है, मैंने सोचा ये वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपडेट दिया जाए। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों का रिप्लेसमेंट पैनल है। ये तो ये आपका रिप्लेसमेंट पैनल है, आप देख लीजिए, आज ही जारी हुआ है ये, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आया है आपका रिप्लेसमेंट पैनल, 4/1/2021 का है और ये अभी अपलोड हुआ है शायद। और इसमें आप देखेंगे तो रिप्लेसमेंट पैनल अगेंस्ट सेंट्रलाइज इम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2018, तो इसमें कैटेगरी नंबर 25 टेक 3 CNW, कैटेगरी नंबर 51 है, कैटेगरी नंबर 59, इसके साथ साथ कैटेगरी नंबर 136 और ये वेस्टर्न रेलवे के लिए, और कैटेगरी नंबर 31 59 61 134 और 137 ये आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए है। इसमें देखेंगे क्या क्या इनको आगे जो है भेज दिया गया, फॉरवर्ड किया गया, फॉलोइंग कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द मेरिट एंड प्रेफरेंस आर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द रिप्लेसमेंट पैनल अगेंस्ट वैकेंसीज ऑफ वेस्टर्न रेलवे एंड वेस्ट सेंट्रल रेलवे, देयर पार्टिकुलर्स आर रिकमेंडेड टू द प्रिंसिपल चीफ प्रिंसिपल ऑफिसर पर्सनल ऑफिसर वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट मुंबई महाराष्ट्र एंड वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर मध्य प्रदेश फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो देखिए इसमें किस किस का दिया हुआ है, कैंडिडेट का रोल नंबर नाम सब प्रोवाइड किया है। तो कैटेगरी नंबर 25 में एक स्टूडेंट का आया है वेस्टर्न रेलवे के लिए, इनका ओवरऑल रैंक भी प्रोवाइड किया गया, इनका नाम और ये कम्युनिटी इनकी क्या है, यूआर है। 51 में आपका एक कैंडिडेट का आया है ओबीसी है, 59 की बात करें तो यहाँ पे भी आपका एक कैंडिडेट का आया है ये भी ओबीसी है। 136 जो आपका ये पीसीएम वाली जो कैटेगरी है इसमें देखें तो वेस्टर्न रेलवे से आप देखेंगे तो 3 स्टूडेंट्स का नाम आया है, जिसमें 2 यूआर हैं और एक आपके जो हैं वो ओबीसी हैं, ये 2 आपके यूआर हैं और एक जो है वो, एक सेकेंड जरा, ये रहा ऊपर है, ये आपके 2 यूआर हैं और एक ओबीसी कैंडिडेट का नाम है। ऐसे ही आप देखेंगे तो कैटेगरी नंबर 31 में WCR की बात करें तो एक कैंडिडेट का नाम आया है वो यूआर हैं, 59 में बात करें, सॉरी 31 में 2 का आया है, दोनों यूआर हैं, 59 में बात करें तो एक कैंडिडेट का नाम आया है और वो यूआर हैं। 61 कैटेगरी में देखें तो इसमें आपके 2 कैंडिडेट का नाम आया है, एक आपके एससी हैं और एक एसटी हैं। ऐसे ही 134 की अगर बात करें तो इसमें देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 स्टूडेंट्स का नाम आया है, जिसमें 2 यूआर हैं, एक ओबीसी, एक एससी और एक एससी हैं, तो और एक एसटी कैंडिडेट हैं लास्ट में। और लास्ट में आपका 137 है, इसमें एक कैंडिडेट का नाम आया और ये एसटी हैं। तो बस ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट रिप्लेसमेंट पैनल है, ज़्यादा स्टूडेंट्स का तो नाम नहीं है लेकिन ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स का आया है, क्योंकि टेक्नीशियन में जितनी सीटें थी उसके अकॉर्डिंग जो भी नॉन टर्नअप हुए हैं उन्हीं का आया है यहाँ पे। बाद में इनकी ट्रेनिंग आप सभी को पता है कि लगभग 1 साल की होती है, तो जो ट्रेनिंग लेफ्ट वाले का डाटा है वो तो बाद में ही अवेलेबल आएगा, जब 1 साल पूरा कंप्लीट होगा तब वो देखेंगे कि कितने ने ट्रेनिंग लेफ्ट किया कितने नहीं, तो वो रिप्लेसमेंट पैनल बाद में आएगा। तो ये टोटल अगर बात करें तो कितने स्टूडेंट्स हो गए आपके, इसको काउंट कर लेते हैं 1 by 1 करके, तो आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 लगभग 17 या 18 स्टूडेंट्स का आया है, अब ये सही से मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी इनका आगे का वही प्रोसेस वगैरह सब लिखा हुआ है कि आपको डिवीज़न में जब आप जाएंगे रिपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे फर्दर प्रोसेस होगा, क्या क्या आपको लेके जाना और क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था ये रिप्लेसमेंट पैनल भोपाल का। तो अभी तक बात करें तो कितने जगहों का आ चुका है आपका, सिलीगुड़ी का आ चुका है, गुवाहाटी का आ चुका है, अहमदाबाद का आ चुका है और ये अभी भोपाल का है। तो ये चौथा बोर्ड है जिसका रिप्लेसमेंट पैनल जारी हुआ है, एएलपी या टेक्नीशियन। तो चलिए ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था, आगे जैसे भी जो फर्दर अपडेट आएगा आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा।